किरदार। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। केदारनाथ, पीएम, परिक्रमा और पॉलिटिक्स, जी हां, उत्तराखंड प्राइम में आज बात होगी इसी पहले मुद्दे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में दूसरी बार बाबा केदार की नगरी पहुंचे और अपने प्रभु की पूजा अर्चना की। वैसे देवभूमि में भाजपा सरकार बनने पर यह प्रधानमंत्री मोदी का यहां का दूसरी बार का दौरा है। वैसे किसी भी राज्य में अगर देश का प्रधानमंत्री यूं ही आए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मगर परेशानी तब शुरू होती है जब किसी के आने पर सियासत यूं चल निकले कि ये पता ही ना चले कि आखिर सियासत जा कहां रही है। बस एक बार बयान आने शुरू हुए तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पीएम मोदी दिवाली के अगले ही दिन देवभूमि पहुंचे तो देश दुनिया की नजरें यहां आकर टिक गई। हालांकि पीएम बाबा की केदार नगरी को भी बहुत कुछ देकर गए हैं। क्या कुछ दिया गया पीएम मोदी की तरफ से और पीएम का आखिर इस बात किस बात पर छलका दर्द, विस्तार से इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। जबकि दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है भाजपा के घर से। नवरात्र भी चले गए, दशहरा भी गुजर गया और अब दीपावली भी चली गई, मगर भाजपा संगठन सिपाहियों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। इंतजार कीजिए दूसरे मुद्दे का, इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत। मगर सबसे पहले बात पहले मुद्दे की। किरदार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने में दूसरी बार उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे, बाबा केदार की नगरी पहुंचे। क्या कुछ इसके मायने हैं और क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया और इस पर सियासत किस तरीके से हो रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि सियासत के मायने है क्या। उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भगवान शिव शंकर के परम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के अगले ही दिन बाबा केदार की नगरी उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे तो देश और दुनिया की नजरें देवभूमि उत्तराखंड पर एक बार फिर आकर टिक गईं। हो भी क्यों ना, क्योंकि भगवान भोले के सबसे बड़े भक्त यानी नरेंद्र मोदी जो पहुंचे हुए थे, 6 महीने में दूसरी बार बाबा केदार के दर पर पहुंचे मोदी ने बाबा केदार की नगरी में उतर वहां की आवाम और अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जौलीग्रांट से सीधे सुबह 10 बजे केदारनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक कर मंदिर में परिक्रमा भी की। 6 महीने में देश के प्रधानमंत्री की ये दूसरी केदारनाथ यात्रा रही, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिव शंकर के परम भक्त मोदी के दिल में भोले की भक्ति किस कदर हिलोरे मार रही है। दुनिया के विघ्नहर्ता यानी शिव शंकर से देश में अमन और चैन और हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत का आशीर्वाद देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद जनसभा को भी संबोधित किया। बाबा केदार की नगरी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाली में बोलना शुरू किया तो सभी ने सुनना भी शुरू कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड का सभी भाई बहनों ते मेरु सादर नमस्कार। बाबा केदार को आशीर्वाद सबू पर बनियो रहो, इन्हीं कामना छे। एक बार फिर बाबा ने मुझे बुला लिया, इस पंक्ति से भोले के परम भक्त ने बोलना शुरू किया तो मोदी मोदी के नारों से देव भूमि भी गूंज उठी। मोदी ने कहा, वो पल थे जब मैं इस मिट्टी में रहा, लेकिन शायद बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं उनके चरणों में जीवन व्यतीत करूं। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। बाबा ने ही मुझे 125 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए भेजा है। और हमारे यहां तो कहा गया है, जन सेवा ही प्रभु सेवा।
और इसलिए आज मेरे लिए 125 करोड़ देशवासियों की सेवा यही बाबा की सेवा है, यही बद्री विशाल की सेवा है, यही मंदाकिनी की सेवा है, यही गंगामा की सेवा है। 2013 की खौफनाक और दिल दहला देने वाली काली रात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। भारत की आजादी के 75 साल हर हिंदुस्तानी का संकल्प, हर हिंदुस्तानी के दिल में, दुनिया में हिंदुस्तान को सिर मोर पहुंचाने की इरादा, बाबा के आशीर्वाद से हर हिंदुस्तानी में वो चेतना जगेगी, हर हिंदुस्तानी उस संकल्प को पार करने के लिए जी जान से जुटेगा। इस श्रद्धा के साथ मैं सबसे पहले इस पवित्र धरती पर प्राकृतिक आपदा के जो शिकार हुए, देश के हर राज्य में से किसी ने अपना देह यहीं पर छोड़ दिया और बाबा की धरती में वो रम गया, उन सभी हुतात्माओं को आज मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मोदी ने उस वक्त की कांग्रेस सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। पुराने दिनों को याद करते हुए मोदी के दिल में छिपा दर्द भी बाहर निकलने लगा। मोदी ने बताया, जिस वक्त देवभूमि में आसमानी आफत ने कहर बरपा, सब कुछ तहस नहस कर दिया था, उस वक्त उन्होंने तत्कालीन सरकार से प्रार्थना की थी कि आप केदारनाथ के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दीजिए। तब उस वक्त के सीएम और अफसर सहमत हो गए थे और अचानक खबर आ गई कि दिल्ली में तहलका मच गया और इसके एक घंटे में राज्य सरकार ने गुजरात की मदद लेने से इनकार कर दिया। और उस समय मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए, जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए, उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। उनको लगा है ये गुजरात का मुख्यमंत्री, अगर केदारनाथ भी पहुंच जाएगा, एक घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिरुक्त रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। ठीक है जी, जब दिल्ली में बैठे हुए लोगों को परेशानी होती है तो मैं क्यों किसी को परेशान करूं। खुद को बाबा भोले का पुत्र बताते हुए मोदी ने कहा कि शायद ये बाबा की इच्छा ही थी कि उनका बेटा या खुद आकर बाबा की नगरी को विकसित करके दिखाए। मोदी ने बताया कि भारत सरकार ने केदार नगरी के विकास के पुनर्निर्माण का खाका तैयार किया है। अब पुरोहितों को जो मकान मिलेंगे वो 3-in-1 होंगे। मोदी ने बताया कि यहाँ 24 घंटे बिजली और पानी होगा और सड़क को पूरी तरह से चौड़ा कर दिया जाएगा। पीएम ने बाबा केदार की नगरी आकर 700 करोड़ की 5 योजनाओं की नींव रखी, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का नवीनीकरण भी शामिल है जो विनाशकारी बाढ़ में तबाह हो गया था। यकीनन 6 महीने में दूसरी बार जिस तरह से पीएम मोदी
बाबा केदार के दर पर पहुंचे हैं, उससे भले ही उत्तराखंड में पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा, मगर मोदी के दौरे से देवभूमि में दंगल भी छिड़ना तय माना जा रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी, कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। चलिए इस विषय पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ धन सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार के। धन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी आपको दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपसे आपको भी दीपावली की ढेर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम चाहेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल है अपने दर्शकों के लिए जरा हम टीवी स्क्रीन पर ले आए। सवाल नंबर एक ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के आखिर सियासी मायने क्या है। सवाल नंबर दो ये कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गुजरात की मदद लेने से इनकार करने का जिक्र आखिर में प्रधानमंत्री की तरफ से क्यों किया गया। सवाल नंबर तीन ये कि बाबा भोले की भक्ति करने आते हैं प्रधानमंत्री या फिर इसके अलावा उनका कोई सियासी एजेंडा है। और आखिरी सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ दे रहे हैं तो फिर इससे कांग्रेसियों को ऐतराज क्या है। धन सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। रावत साहब पहला सवाल यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से आपत्तियां, उनके भाषण को लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई है। सवाल मेरा पहला आपसे यही है कि जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि वो यहां पर जो कांग्रेस सरकार की से मदद की बात उन्होंने की थी उसका जिक्र क्यों कुछ क्या क्यों किया गया और उसके सियासी मायने क्या है, क्योंकि अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र नहीं किया गया था। हेलो। हाँ जी धन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो कपाट खुलते समय भी यहाँ केदारनाथ आए और आज कपाट बंद होने का जो आखिरी दिन था आज आए हैं जी। और प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए जो जो सौगातें आज हमको दे हैं पूरा देश और पूरा प्रदेश उनका आभारी है, क्योंकि 2013 के बाद आपदा के कारण केदारनाथ में बहुत बड़ी क्षति हुई थी और तब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, और तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि अगर यहाँ की सरकार जाएगी तो मैं वहाँ का निर्माण करा सकता हूँ जी। और आज मोदी जी ने इस बात को दोहराया, वहाँ के समय यहाँ की सरकार तो मान गई थी लेकिन दिल्ली से बाद में उनको डांट पड़ी कि वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ जैसा होना चाहिए था नहीं हो पाया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पांच बड़ी बड़ी चीजों का वहां शिलान्यास किया है। एक तो शंकराचार्य जी का वहां बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनेगा, संग्रहालय बनेगा। दूसरा जो हमारी मंदाकिनी नदी है उसका पुनर्वहन होगा, वहां घाटों का होगा, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके मकान बनेंगे, वहां का रख रखाव होगा। सारी बहुत बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना उन्होंने वहां के लिए बनाई है। और हमारे राज्यपाल जी साथ में थे, मुख्यमंत्री जी साथ में थे, मुख्यमंत्री जी ने भी जितना वहाँ बाढ़ नियंत्रण का काम हो रहा है हमारी सरकार अब कर रही है जी। और इन तीन सालों में जो हमारी निम संस्था है उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ काम किया, वहाँ के जो जवान हैं उन्होंने। और आज प्रधानमंत्री जी ने हमारी सरकार से निवेदन आग्रह किया, वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई आप लोग टाइम बाउंड वो करिए यहाँ विकास करिए जी। और मुझे आशा है कि वैसे भी जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है हमारा केदारनाथ, माननीय मोदी जी वहाँ के बहुत बड़े भक्त हैं जी। वो पहले भी जब मुख्यमंत्री थे तब भी आते थे, उससे पहले भी कई बार उनका केदारनाथ आना जाना लगा रहा। और आज उन्होंने जो अपने भाषण 40 मिनट के भाषण में कहा, उन्होंने पूरा विकास रखा जो है वहाँ खाका खींचा है, वो हमारे लिए बहुत सुंदर है और हम प्रधानमंत्री जी का अपनी सरकार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जी। मैं राव साहब मेरा सवाल ये है, कांग्रेस की अभी 6 महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी, आपकी केंद्र की सरकार आए लंबा वक्त हो चुका, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई पैकेज दिया गया या इस तरह का कोई कदम उठाया गया, ना प्रधानमंत्री उस समय उत्तराखंड आए, उस समय के मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार निवेदन भी किया गया आने का, तो क्या इसके पीछे राजनीति है क्या, कोई क्या पार्शियलिटी होती है अगर सरकार नहीं रहती है तो? नहीं ऐसा नहीं है,
थे, अगर मुख्यमंत्री जी उनको बुलाते तो प्रधानमंत्री जी जरूर आते हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में तो सबका साथ सबका विकास का नारा हमारा है, और जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और तब नरेंद्र तिवारी की सरकार उत्तराखंड में थी जी, तभी माननीय अटल जी ने विशेष राज्य का पैकेज उत्तराखंड को दिया था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जब यहाँ के मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया नहीं होगा प्रधानमंत्री जी को, तो वो क्यों आते अपने आप ही। और मुझे लगता है कि हमारी जब नई सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र हमको इतना सहयोग कर रहा है, 12,000 करोड़ रुपए का ऑल वेदर रोड का काम हमारे यहाँ शुरू हो गया है, और इतना ही नहीं हमारे चारों धामों में रेलवे की कनेक्टिविटी का काम आजकल है, सर्वे का काम शुरू हो गया, वन विभाग की कई जगह की एनएससी हो गई है जी, और चार धाम जो हमारी यात्रा रूट है उसके लिए रोडों का चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया, एनएच का काम शुरू हो गया, बहुत युद्ध स्तर पे काम शुरू हुआ है, और 2-3 सालों में लोगों को दिख जाएगा कि भाई कितना बड़े बड़े काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक राव साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे साथ बने रहे थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थोड़ा मेरा गला खराब है, ऐसी आवाज आई जी। अग्रवाल साहब जी, कोई बात नहीं। अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री आए और उन्होंने आपदा के वक्त को भी याद किया और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया आज कि वो चाहते थे कि गुजरात सरकार यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम कराए, मुख्यमंत्री और उत्तराखंड की सरकार तैयार थी, लेकिन दिल्ली में हलचल हो गई, दिल्ली में दिक्कत हो गई, तो इस दिक्कत की वजह क्या रही और इस बात का जिक्र करने के पीछे क्या मंशा लगती है आपको? मैं कुछ चीजें नहीं कहना चाहता। जिस समय पे मोदी जी देहरादून में आए थे जी और माननीय शोभना को मिलने मुख्यमंत्री आवास गए थे, मैं स्वयं भी वहां पर मौजूद था। अब वहां पर क्या कुछ बातें हुई थी उनका मैं विस्तार पे नहीं जाना चाहता, वो एक प्रोटोकॉल के खिलाफ बात है, इसलिए मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता कि कब क्या हुआ था। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आए, उनका बहुत स्वागत। और जो हमने जो 13 की आपदा के बाद विकास कार्य किया वो जो है उस हिसाब से आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जब हेलीकॉप्टर में सुबह देख रहा था वहां पर लैंड हो रहा था, मुझे खुशी हुई कि MI-17 जो लैंड वहां पर निश्चित रूप से जो हम लोगों ने वहां पर केदार घाटी में काम किए थे, जिस तरह से वहां पर राज्य सरकार ने एक आपदा को ग्रस्त केदार करने का काम किया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से खुश हूँ कि वो जब केदारनाथ में उतरे तो जो व्यवस्था उन्होंने वहां में देखी उसके लिए मन ही मन उन्होंने हमारी राज्य सरकार के। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार धन सिंह रावत जी बने हुए हैं। राव साहब, जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है, आप कितने सहमत हैं इस बात से कि केदारनाथ में जो इस मसले का जिक्र किया गया उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है, धार्मिकता नहीं? कांग्रेस तो हर चीज को राजनीति से जोड़ना चाहती है जी, लेकिन हमारा मत है और करोड़ों लोगों का मत है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत साहसिक काम किया है हमारे उत्तराखंड के लिए, वो बहुत ऐतिहासिक काम है, और हम चाहते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक है हमारा केदारनाथ। और मुझे लगता है कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है काम करने का, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता प्रधानमंत्री जी। लेकिन आज के भाषण में ये इतनी पुरानी बातों को जो याद किया गया, इसके पीछे क्या कारण है? अगर इसको तो हम सियासत से जोड़ के क्यों ना देखें कि प्रधानमंत्री जी ने बातें इसलिए कही कि अगर 3 साल पहले अगर ये काम हो जाता तो और भी अच्छा था, इसलिए उन्होंने अपने संदर्भ कही है कि वो मैंने उस समय भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मैंने कहा कि बाबा के इशारे होगी कि मैं अब प्रधानमंत्री बन गया हूँ, यहाँ हमारी सरकार आ गई है तो बहुत अच्छा और अच्छा काम हो जाएगा, इस
तो यहाँ सियासत का हार या राजनीति यही तो नहीं, अगर बहुत लोग बाहर हो रहे हैं, वहाँ सड़क बन रही है, वहाँ शंकराचार्य जी की समाधि बन रही है, वहाँ अगर घाट बन रहे हैं, वहाँ तीर्थों का काम हो रहा है, इसमें राजनीति कहाँ से आ गई। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री को बाबा केदार याद आ गए। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि देखो जी वो संदेश देना चाह रहे थे। क्या कहेंगे इसकी पृष्ठभूमि तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आज हमारी सरकार और करोड़ों लोग जो देश विदेश में भी रहते हैं वो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। कांग्रेस को अगर इसमें भी राजनीति नजर आती है तो एक राजनीतिक पार्टी है, उनका सोचना अपना अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का आज इतने बड़े काम पे उनको बधाई देनी चाहिए। जी राव साहब, हमारे साथ प्रदीप टमटा जी जुड़ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। टमटा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। टमटा साहब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, तमाम योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, 5 सौगातें देकर के गए, लेकिन एक बात का जिक्र जो उन्होंने किया कि दिल्ली की सरकार, ये पुनर्निर्माण का काम पहले हो जाता लेकिन दिल्ली में जो आपकी सरकार थी वो डर गई थी, इस वजह से वो काम जो है नहीं हो पाया। उत्तराखंड की सरकार तैयार थी लेकिन दिल्ली के अंदर हलचल मच गई थी। देखिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड में आ रहे हैं लेकिन उत्तराखंड को उसका लाभ ये दौरा भी उत्तराखंड के हिसाब से, लोगों के हिसाब से निराशाजनक। जब देश का एक प्रधानमंत्री किसी राज्य में आता है तो किसी बड़े लक्ष्य की, बड़े किसी संभावनाओं के राज्य देखता है। हम उत्तराखंड में देख रहे थे कि जब हमारा विशेष राज्य का दर्जा हमसे वापस ले लिया गया तो उसके एवज में बहुत लंबे समय से मांग हो रही कि जो ग्रीन बोनस के रूप में उत्तराखंड के राज्य की मांग है, अपने फॉरेस्ट अपने वाटर रिसोर्स का प्रयोग वो देश के हित में उत्तराखंड ने छोड़ दिया है, उसके एवज में देश की जो एनवायरमेंट सर्विस है उसके एवज में भारत सरकार के प्रधानमंत्री उत्तराखंड में घोषणा करेंगे और उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को दौरा करेंगे, एक लाभ होगा। और इस संदर्भ में एक पुरानी रिपोर्ट भी बीके चतुर्वेदी गमज के साफ स्पष्ट रिपोर्ट थी कि इन राज्यों को उनके पर्यावरण सेवा के बदले में इनको बोनस दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने फिर आज इस राज्य को निराश किया, हिमालय राज्यों को बहुत निराश किया। दूसरी चीज है कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में उन चीजों का शिलान्यास किया है, इस चीजों को उत्तराखंड का राज्य भी बाढ़ नियंत्रण के कार्यक्रम है, इनको तो वहां का सिंचाई मंत्री भी वो अपने पान बजट से राज्य बजट से कर ही रहा था, ये कौन सी बड़ी बात है। सवाल था मेजर था कि 300-350 से गांव जो आपदा की दृष्टि में है, जिसको जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट कर रही है कि इनको अन्यत्र कहीं बसाया जाना चाहिए नहीं तो बड़ी आपदा आ सकती है, ये प्रस्ताव भारत सरकार के पास पड़े हुए हैं, पुरानी सरकार ने भी दी थी और नई त्रिवेंद्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था। आज के प्रधानमंत्री के दौरे पर फोकस रखें जी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रदीप जी मेरा मैं ये जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आज लगातार बार बार जिक्र उन्होंने कई बार 2022 का किया, 2019 तक का मैंडेट है, 2022 के जिक्र के पीछे मायने हैं क्या? वो कह रहे हैं कि तमाम वो दृढ़ संकल्प हर हिंदुस्तानी के लिए है कि 2022 तक देश को पूरी दुनिया का सिरमौर बनाया जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री ने जब 2014 में जनता से मैंडेट मांगा था तो 5 साल 2020 तक का लक्ष्य मांगा, और आज आप प्रधानमंत्री जब उन बातों को सफल नहीं हो पा रहे हैं तो लक्ष्य को भ्रमित कर रहे हैं। सवाल क्या है कि किसी भी सरकार का जो मूल्यांकन जनता उसके अपने 5 साल की जिसके लिए उसने मैंडेट मांगा उस आधार पर है, और उत्तराखंड की जनता इन 5 सालों में उत्तराखंड राज्य की प्रगति में केंद्र का क्या योगदान है उसके संदर्भ में देख रही थी, और डबल इंजन की सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार गोल पोस्ट को बदल रहे हैं, अब 19 की जगह 22 की ओर जा रहे हैं। सवाल था इस राज्य के संदर्भ में, मैं इसलिए कह रहा हूँ जब आप केदारनाथ आते हैं, केदारनाथ आने का मतलब एक बड़ा सिंबॉलिक भी, केदारनाथ बड़ी परिश्रम के साथ बड़ी विभिन्न आपदा को झेलने के बाद उत्तराखंड राज्य की अपने पहाड़ों में खड़े होने की एक बहुत अद्भुत मिसाल है, और उस संदर्भ में 300-400 गांव को पुरानी कांग्रेस सरकार ने और नई त्रिवेंद्र सरकार ने भी देश के प्रधानमंत्री से कहा था
इन 350 गांवों को बसाने के लिए केंद्र सरकार हमको मदद दे। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टमटा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन सिंह रावत जी, हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचे थे केदार नगरी, और केदार नगरी पहुंच करके उत्तराखंड को लेकर के, पहाड़ को लेकर के क्या कुछ उन्होंने मंत्र दिए, क्या कुछ बातें रखी और क्या कुछ करने जा रहे हैं वो जरा सुनते हैं। पर टूरिज्म के नए नए क्षेत्र विकसित होने चाहिए और दुनिया भर की जवानी को निमंत्रण देने का सामर्थ्य उस पानी में हो, और पानी जो कभी पहाड़ के काम नहीं आता था वो पानी पहाड़ के लिए काम आ जाए, जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी कालों में चली जाती है रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए, पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ जाए। ये काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम भारत सरकार उठा रही है। उत्तराखंड की सरकार भी इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए, इतने महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज विकास एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है, एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उत्तराखंड की भूमि वीरों की भूमि है, ये कहा प्रधानमंत्री ने, और क्या कुछ जवानों को लेकर के कहा वो जरा सुनिए। इनके पास बहुत सामर्थ्य है, यहां डिसिप्लिन यहां की रगों में है, कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिस परिवार में कोई फौजी न हुआ हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 250-300 निवृत्त फौजी न हो, और जहां फौजी इतनी संख्या में हो वहां तो डिसिप्लिन काबिले दाद होती है जी। यात्रियों के लिए ये डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा संबल होती है। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के बाद कुछ और बयान भी सुनाएंगे, राजनीतिक बयान भी होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। केदार चलिए लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदार नगरी के दौरे को लेकर के, दौरा था, राजनीति भी हुई, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से तंज कसा, वो आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, 3200 करोड़ रुपए का हमें कर्ज लेना पड़ा है, और डबल इंजन की सरकार है, तो इसलिए हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर डबल इंजन की सरकार है कहाँ, किस चीज़ों पे आज जो है बार बार ये कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड राज्य की जो योजना आगे बढ़े, विकास आगे बढ़े। लेकिन हम लोगों को आज लगता है कि जिस तरह से देश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने गुमराह किया है, प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे भी करते हैं, अपनी बात भी कहते हैं, लेकिन कहीं भी आज नहीं लग रहा है कि विकास जो है उत्तराखंड का आगे बढ़ रहा है। तो आज जो उनका दौरा है वो अपने आप में बड़ा निराशाजनक है, जो उम्मीदें लगाई गई थी आज वो उम्मीदें, कांग्रेस ने ग्रीन बोनस की बात करी थी, आपदा के लोगों की जो है उनकी आवाज़ की बात करी थी, लेकिन आज किसी भी योजना पर बात करने का प्रधानमंत्री जी ने इतना जहम ही नहीं उठाया। फिर दोहराई जा रही है, और केदारनाथ में जिस तरह से भाषणबाजी उन्होंने वहाँ दी, और ये गढ़वाली में भाषण देने से कुछ नहीं हुआ, गढ़वालियों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, और जो बातें आपने कही हैं वो कहीं ना कहीं धरातल पर उतरती नजर आनी चाहिए। अगर केदारनाथ के लिए कुछ पैकेज आप दे के जाते, ये कहते कि केदारनाथ की तो स्थिति कांग्रेस सरकार ने सुधार दी थी, केदारनाथ में तो 10 लाख से ज़्यादा लोग 2013 की आपदा के बाद आ गए थे, सुचारू रूप से 5 लाख परिवार अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, लेकिन उससे अलग अगर कुछ आप करना चाहते तो तब बात बनती थी, लेकिन केवल भाषण और जुमलेबाजी से अब काम चलने वाला है नहीं। केदारनाथ में जाकर जिस तरह से आपने शंकराचार्य की समाधि को का शिलान्यास करने का काम किया, किसी अगर आप साधु संत से करवाते, शंकराचार्य से करवाते, तो वो अपने अलग बात होती, लेकिन नहीं,
उन्हें शिलान्यास करने का बड़ा शौक है। कांग्रेस ने केंद्र में रहते हुए बहुत काम इस देश के अंदर किए हैं, तुम लगातार उद्घाटन करने का काम कर रहे हो या शिलान्यास करने का काम कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है नहीं। केदारनाथ में आए, शिलान्यास करके वापस चला गए, ये उत्तराखंड की जनता के साथ एक मात्र छला हुआ और एक तरह का धोखा है, क्योंकि जिस तरह के वादे मैं मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सपने उन्होंने उत्तराखंड की जनता को दिखाए थे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो मोदी जी से कहें और उन सपनों को पूरा करने के चलिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे का स्वागत कर रही है वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की। दूसरा मुद्दा दायित्व, सौगात, सवाल और सस्पेंस। पहले बीजेपी का बयान और उसके बाद आज के दूसरे दिलचस्प मुद्दे की बात। देखिए, विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक राजनीति करके आप जनता में अपनी सकारात्मक छवि नहीं बना सकते। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है, तो केदारधाम के कपाट खोलते समय वो यहाँ थे, कपाट कल बंद हो रहे हैं तो यहाँ पर हैं, और उससे भी अधिक जो उन्होंने संबोधित किया वहाँ पर आज, जो तो उससे उनका जो उत्तराखंड की के प्रति, उत्तराखंड में कितनी संभावनाएं हैं, स्पेशली हिमालय को लेकर जो उन्होंने एक चित्र खींचा है। और आज भी उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रेशर में उस समय सरकार ने उन्हें मना कर दिया था, लेकिन बाबा की ऐसी इच्छा थी कि उनके इस बेटे द्वारा ही इस कार्य को पूरा किया जाए, और अनेकों तरह से आज 700 करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा मंदाकिनी और उस पर तट बनाए जाएंगे, वहाँ की स्वच्छता का, पानी का, बिजली का पूरा इंतजाम किया जाएगा, वहाँ 3-in-1 टाइप के मकान बनाए जाएंगे जिसमें यात्री भी रहेंगे, पुरोहित भी रहेंगे और उनके साथ कार्य करने वाले भी रहेंगे, मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। ऐसी अनेकों चीज़ें उन्होंने जो घोषणा में वहाँ कही, वहाँ जाने के लिए रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, ये अपने आप में अभूतपूर्ण है। और उन्होंने बड़ा मन करते हुए पूरे देश की सरकारों से, हर एक राज्य की सरकारों से इस बात का आह्वान किया कि आने वाले समय में वो सब आएं और बाबा के लिए जो कर सकते हैं, जिसकी जो इच्छा है वो करें। अब बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, दायित्व, सौगात, सवाल और सस्पेंस। अब बात इसी दिलचस्प मुद्दे की, यहां बात बीजेपी के घर की हम कर रहे हैं। भाजपा को प्रचंड और विराट जीत दिलवाने वाले सिपाहियों को आज भी अपने इनाम का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि वो अलग बात है कि कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है, मगर राजनीति में कोई चीज मुंह से बोलकर नहीं मांगी जाती, बस जैसे तैसे अपनी मांग को ऊपर तक पहुंचाना जरूरी होता है। अब दायित्व के दावेदारों का इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। अब चूंकि दिवाली भी गुजर चुकी है, अब क्या होगा? सवाल वहीं का वहीं कि आखिर कब मिलेंगे दायित्व। अब बात इसी मुद्दे की, दायित्व को लेकर सस्पेंस है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, इसी चैनल पर, इसी उत्तराखंड प्राइम में जब हमने बातचीत की थी बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, तो उनका कहना ही था दिवाली पर तोहफा मिलेगा। हमने कहा ठीक है, दिवाली तक इंतजार कर लेते हैं, पर दिवाली गुजर गई, दशहरा गुजर गया, लेकिन अभी तक दायित्व नहीं बटे हैं। क्यों इस पर इतना सस्पेंस है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद तमाम जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के हम जवाब भी तलाशेंगे। दियों और खुशियों का त्योहार यानी दीपावली। दीपावली के गुजर जाने के बाद भी बीजेपी संगठन सिपाहियों की उम्मीदों की माला की मोती टूट टूट कर एक बार फिर जमीन पर बिखरे तो सियासत में सवाल भी तैरने लगे। उम्मीद थी कि दिवाली के पटाखे फूटने से पहले ही दायित्व के लड्डू का इंतजार कर रहे
दायित्व के उम्मीदवारों को दायित्व की सौगातों से नवाजा जाएगा और दिवाली से पहले ही घर में मिठाइयां बटेंगी और खूब आतिशबाजी होगी। खबरें तो यहां तक भी आ रही थी कि सीएम साहब ने करीब करीब 25 नामों की लिस्ट भी फाइनल कर ली है और दिवाली के दिए जलने से पहले नाम की पहली लिस्ट बोर्ड पर टंग जाएगी। मगर इसे राज्य की राजनीति की रीत ही कहें कि सत्ता में दल चाहे कोई भी रहे, यहाँ दायित्व कभी भी वक्त पर नहीं मिल पाते, भले ही वो चाहे कांग्रेस राज रहा हो या फिर बीजेपी का शासन। 6 महीनों में माता के नवरात्र भी चले गए, दशहरा भी आकर चला गया और दीपावली की मिठाइयां भी बंट ली, मगर दायित्व की हसरत पाने वाले दायित्व के दावेदारों का इंतजार है कि कांटे नहीं कट रहा। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के घर के अंदर इतनी रार मची हुई है कि अगर दायित्व की सौगात की अगर पहली लिस्ट बोर्ड पर टंग भी गई तो घर के भीतर घमासान सब कुछ ले डूबेगा। भले ही 2017 विधानसभा चुनाव में जनता ने छप्पर फाड़ कर उत्तराखंड बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया हो, मगर अब बीजेपी का खुनबा इतना बड़ा हो चला है कि घर के अंदर ही मनमुटाव की खबरों का सियासी बाजार आए दिन सुनने को मिलता है। अब इसे बीजेपी का गुड लक कहें या फिर बैड लक, ये तो बीजेपी या फिर आवाम ही जाने। मगर इतना तय है कि इन 6 महीनों में न जाने कितनी ही बार बीजेपी के घर का कलेश खुल्लम खुल्ला यूं सड़कों पर दिखाई दिया है, लाठी डंडे चले हैं, सिर फूटा है और आरोपों के आक्रमण से सियासत में तूफान भी आए हैं। खैर, बात यहाँ अगर दायित्व की हो तो ये भी 100% सच है कि अभी तक बीजेपी संगठन और सरकार के सरदार ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दायित्व के लड्डू किस किस को और कितनी संख्या में बांटने हैं, क्योंकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि अपनों को दूर कर गैरों को गले लगाने वाली बीजेपी में कई दिग्गज ऐसे भी हैं जो अंदर खाने अपनों से ही नाराज चल रहे हैं। खैर, अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, मगर ये भी सच है कि जब भी दायित्व के लड्डू बांटेंगे तो घर में घमासान होना तय है, लिहाजा सरकार के सुप्रीमो फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 2017 खत्म होते होते दायित्व की सौगात मिलेगी या फिर अब उम्मीद 2018 में की जाए। ये साफ होना जरूरी भी है क्योंकि जिन्होंने साल 2017 के जंग में सड़कों पर उतर बीजेपी को प्रचंड जीत दिला, उसका 5 साल का सियासी वनवास खत्म करवाया, उन सिपाहियों को भी इनाम हर हाल में चाहिए क्योंकि इनाम के असली हकदार तो वो ही है। कैमरा पर्सन सुमित डबराल के साथ प्रवीण कुमार, जैन टीवी, देहरादून। चलिए, अब कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ विनय गोयल जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद आपका जी। विनय जी, कई सारे सवाल है, मैं चाहूंगा कि आपसे मैं सवाल करूं, उससे पहले वो तमाम सवाल अपने दर्शकों के लिए टीवी स्क्रीन पर ले आए। सवाल नंबर एक ये कि आखिर कब तक बटेगी ये दायित्व की सौगात, कब खत्म होगा सस्पेंस। सवाल नंबर दो ये कि 2017 के आखिर तक उम्मीद है या फिर अब उम्मीद ये करें कि सीधे अब 2018 में ही दायित्व बटेंगे। सवाल नंबर तीन कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र आखिर में इस बारे में कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रहे। अगला सवाल ये कि दायित्व मिलते ही कहीं घमासान का डर तो नहीं है कि दायित्व बटेंगे, जो लोग नाराज होंगे वो हंगामा कर देंगे, ये डर तो नहीं। और आखिरी सवाल ये कि दायित्व मिले या ना मिले, कांग्रेस के लोग आखिर में इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं, हमारे साथ विनय गोयल जी मौजूद हैं। विनय जी, इतना सस्पेंस क्यों हुआ? कांग्रेस सरकार में भी यही हुआ और अब जो है आपकी सरकार है उसमें भी यही हो रहा है। नहीं देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है और ये अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया कि हम कब दायित्व देने वाले हैं, कितने लोगों को दायित्व देने वाले हैं, लेकिन चूंकि समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में ऐसी खबरें आती रहती हैं, ऐसे कयास लगाए जाते रहते हैं कि अमुक दिन दायित्व बटेंगे, इतनी संख्या में दायित्व बटेंगे, तो एक मुझे लगता है कि उसके कारण से जरूर कुछ ना कुछ ये वातावरण निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी किसी बात के बारे में कोई निश्चय कर लेती है तो फिर उसमें फिर समय नहीं लगाया जाता। और भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है कि उसे किस समय और कितने लोगों को
किस प्रकार की जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है और वो उसी समय पर उतने लोगों के लिए वो काम करती है। विनीत जी, ये सस्पेंस सिर्फ मीडिया के द्वारा जनरेट नहीं होता है, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे लोग तमाम चीज़ें बताते हैं, उस आधार पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। अब इसी कार्यक्रम में तमाम वरिष्ठ नेता, आपके विधायक बड़े दावे के साथ कह के गए थे, अभी 20-25 दिन पुरानी बात है, कि दिवाली अच्छी मनेगी और दिवाली पर जो है लोगों को दायित्व मिल जाएंगे, दिवाली तक का इंतज़ार कीजिए। अब नवरात्र बीत गए, दशहरा बीत गया, अब दिवाली भी समाप्त हो गई, नहीं बटे तो वो लोगों को लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों के अंदर भी इस तरह का डर हो कि कहीं घमासान ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कैसे सबको खुश करें, ये कैलकुलेशन ही आप लोग फिट ना बैठा पा रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ जी कि जिस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे जी, उस समय चूंकि बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे कांग्रेस के मित्र बीजेपी में शामिल हुए थे, तो एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कांग्रेस के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी दुविधा हो गई है कि कैसे वो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेगी और कैसे जो आए हुए लोग हैं उनको संतुष्ट करेगी, और बहुत बड़ा बवंडर खड़ा होगा, बहुत बड़ी बगावत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सबने देखा, बड़ी कुशलता से, बड़ी अनुशासन के साथ हमने उस दौर को पार किया। उसके बाद जब चुनाव हो गए तो फिर इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदारों की बहुत लंबी कतार है जी। और अब तो निश्चित रूप से गठबंधन होगी और इस प्रकार के जो दावेदार लोग हैं उनको किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चयन भी बहुत आराम से हो गया और वो बहुत अच्छी तरह से सरकार चल रही है। विनय जी, अब दायित्व को लेकर ये प्रश्न खड़े करने का प्रयास किया जा रहा है जी। असली समस्या ये है कि कांग्रेस इस बात से परेशान है कि इतने अवसरों को भारतीय जनता पार्टी कितनी बखूबी के साथ संगठन का काम कर पा रही है, जबकि उनके यहाँ तो छोटे छोटे बातों पर झगड़े हो जाते हैं। मात्र उनके अभी 11 विधायक हैं और 11 विधायक 11 डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो अपने घर की जो कलह है उसे देखकर वो भारतीय जनता पार्टी से वैसी कलह देखना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल ये है सर, बहुत ही पारिवारिक भाव की पार्टी है जी। विनय जी, मेरा सवाल ये है कि आप अभी जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस के लोगों को तो खुश किया ना आपने, मंत्री बना दिया गया कई लोगों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपकी पार्टी का कुर्सियां उठाते हैं, दरियां उठाते हैं, लाठी और झंडा लेकर के नारे लगाते हैं, वो लोग जो है आस लगा रहे हैं और लंबे समय से आस लगा रहे हैं, 6 महीने से ऊपर आपकी सरकार को हो गया, फिर इसे डिले करने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि मतलब वो सही समय आपका कब आएगा? अभी आपके यहाँ मंत्री मंत्री दो वरिष्ठ पद पद जो है, दो कई सारे वरिष्ठ नेता आपके खाली हैं, किसी व्यक्ति मंत्री पद दो खाली पड़े हुए हैं, आकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी आम जनता की, और वो भी खास तौर से जो हमारे देश के प्रदेश के गरीब दबे कुचले पिछड़े इंसान है, उनके कैसे विकास हो, उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, उनका विकास कैसे हो, सभी कार्यकर्ता मुख्य रूप से उसके लिए काम करते हैं। कि व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा करने के लिए पार्टी नहीं, नहीं अगर व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पार्टी नहीं है तो क्या वजह है कि जो लोग कांग्रेस से आए उनमें से जितने महत्वपूर्ण लोग थे उनको आपने मंत्री बना दिया, तो व्यक्ति विशेष की महत्वाकांक्षा तो पूरी कर रहे हैं ना आप डील तो कर ही रहे हैं, तो ये वो एक अलग मसला है। लेकिन जो लोग आपकी पार्टी के अंदर हैं, आपका एक नजरिया हो सकता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण बहुमत की सरकार को प्राप्त करने के लिए, जिससे कि अस्थिर सरकारों का दौर ना हो, क्या रणनीति बनाई, किस प्रकार से काम किया और उसमें वो सफल रहे, अगर इसे आप इस दृष्टि से देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि अभी 2019 में भी बड़ी चुनौती है, अगर लोगों को, अगर जो अपने कार्यकर्ताओं को आप खुश रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि झंडे वही उठाएंगे, नारे वही लगाएंगे, बूथ तक वही लोगों को लेकर के जाएंगे, तो उनमें से अगर दायित्व का काम अभी बाकी है आपका, दो मंत्री पद भी खाली पड़े हुए हैं, तो वहां पर भी आपके तमाम वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप कहें तो लिस्ट गिना दूं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है, वो लोग भी वेट कर रहे हैं,
तो वजह क्या है कि आप कांग्रेस पर आप लोग निशाना साधते थे कि कांग्रेस इतना डिले कर रही है, कार्यकर्ताओं को कैसे खुश करेंगे? देखिए दायित्व तो कुछ 100-150 लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं, बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा जाएं तो 100-150 लोग हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश में हमारे 15,40,000 से अधिक कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो वो उसका प्रतिशत 0-1% भी नहीं बनता जी। तो मुझे लगता है कि ये केवल कुछ जो हमारे जो फ्रंट लाइन के जो हमारे प्रमुख लोग होते हैं उनको लेके इस विषय की चर्चा की जाती है, जबकि जो हमारा सामान्य कार्यकर्ता है जो वास्तव में बूथ पे काम करता है, जो वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने का काम करता है, उनके मत दिलाने का काम करता है, उसकी कहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती। ये तो केवल ये चाहता है कि उसकी पार्टी की सरकार बने, उसके क्षेत्र में विकास के कार्य हो, और वो जिन लोगों को कहकर वोट उनके दिलवाता है उनके काम करवा सके, उनके सम्मान की चिंता कर सके। मेरा सवाल ये है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरे करने से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है जी। भले ही उस कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा ना हो गोयल जी, लेकिन वो चाहता है कि वो जिसके अंडर में जिसके नेतृत्व में पार्टी के झंडे को आगे बढ़ा रहा है उसको जिम्मेदारी जाए। दूसरी, क्या यही एक वजह है जो आप कह रहे हैं इतने लाख कार्यकर्ता हैं उनमें से 0.1% हैं जिनको 100-150 लोगों को दायित्व दिया, क्या वैसे चेहरों को ढूंढने में ही दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से ये मामला पूरा लटका हुआ है कि वो किसको जिम्मेदारी दी जाए, किन किन को दी जाए? दिक्कत कुछ नहीं है, मैंने जैसे बताया आपको कि जिस समय पार्टी ये विचार करेगी कि उसे ये काम करना है तो एक क्षण ही नहीं लगेगा जी। तो अभी पार्टी जनता पार्टी जो भी काम करती है पूरा समय लेकर और पूरे विचार विमर्श के साथ ये काम करती है। और मैं जैसे अगर आपको याद दिलाना चाहूं कि अगर आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 3.5 साल से सरकार चल रही है जी, केंद्र में भी ऐसे दायित्वों की भरमार है, जितने चाहे कार्यकर्ताओं को वहां भी समायोजित करना चाहे कोई दल केवल उनकी महत्वाकांक्षा पूरे करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन हम अनावश्यक इस प्रकार के कामों को प्रश्रय नहीं देते, बढ़ावा नहीं देते। चलिए 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 गोयल साहब, मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि जो तमाम कार्यकर्ता तमाम लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं अब उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएं, क्योंकि वो आस लगा रहे हैं कि शायद उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा, लेकिन अब देखते हैं उनका इंतजार कितना लंबा खिंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन कांग्रेस जिसका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बयान आए हैं दायित्व के मुद्दे पर, क्या कुछ कांग्रेस कह रही है वो सुन लीजिए। तोहफा देते हैं किसे नहीं देते हैं, लेकिन आज बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उसके अंदर भी ये निराशाजनक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि बार बार उन्हें भी ठगा जा रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसमें बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी देश की जनता को ठगने का काम कर रही है, प्रदेश को ठगने का काम कर रही है, तो अगर वो भी ठगे गए तो कोई बड़ी बात नहीं। लॉलीपॉप को पूरे देश और उत्तराखंड को देते आए हैं, वही लॉलीपॉप भी वो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव 18 सर पर है। डर इस बात का है कि कहीं कोई कार्यकर्ता नाराज न हो जाए। 2019 का चुनाव लोकसभा का सामने है, पहले ही पूरे देश और उत्तराखंड में स्थिति उनकी दयनीय बनी हुई है। इस डर के मारे वो लगातार फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कल में किसी को दायित्व मिलने वाले। जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि हर बात पर प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए और बोनस देने के लिए हर बार मार्केट से पैसा उठाया जाता है। उस स्थिति में अगर दायित्व दिए जाते हैं तो नितांत इस प्रदेश पर एक अनावश्यक बोझ हो जाता है। बातचीत करने के लिए राजकुमार ठुकराल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठुकराल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। ठुकराल साहब, ये दायित्व को लेकर के कब सस्पेंस खत्म होगा? अब अभी तक तो दायित्व डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं आपके यहाँ, कब तक उम्मीद करें हम? देखिए भारतीय जनता पार्टी हाई कमान जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी जी, ये इनके सोचने का विषय है और निरंतर विचार मंथन चल रहा है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है जी कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। सारे 57 विधायक हैं, सब खड़े हैं पार्टी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उसको आत्मसात करेंगे। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी, और कार्यकर्ता को जहां कहा जाता है वहां हम जुड़ते हैं,
और जो मुख्यमंत्री जी का आदेश होगा वो हम आत्मसात करेंगे, उसको सर्वोपरि मानेंगे। ठीक, तो हमारे कोई जल्दीबाजी नहीं है जी। ठीक है, जल्दीबाजी में मंत्री बनने हैं जी टुकड़ा साहब, लेकिन जिस पर पार्टी विश्वास करेगी, जिस पर पार्टी ठीक समझेगी, सभी कार्यकर्ता एक से एक अच्छे हैं और सारे विधायक 57 के 57 विधायक परिपूर्ण हैं, मैच्योर हैं, पार्टी की कसौटी पर हमेशा खड़े उतरे हैं। तकवाल साहब, लेकिन आप जब पिछली बार आपसे बात हुई थी इस विषय को लेकर के, तब आपने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि दिवाली जो है वो दिवाली अच्छी रहेगी और ये दिवाली तो फिर जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो नहीं, आपको आपने पूरे भरोसे से कहा था। हमको भी भरोसा था कि दिवाली पर निर्णय होगा, लेकिन भाई इतने ज्यादा विधायक हैं जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, बड़ा विचार में ही प्रश्न है जी। कई बार दिक्कत आती है वैचारिक मंथन के दौरान, कई बार तनाव हो जाता है जी। ठीक है, अपनी पार्टी का मामला है, जिसको चाहेंगे एडजस्ट करेंगे जी। हम लोग नहीं भी दो मंत्री बनाएंगे तो 9 मंत्रियों से हमारा काम चल रहा है जी। हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि परिपक्व हैं, मैच्योर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की छवि को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का और मस्तक ऊंचा कर रहे हैं जी। हम लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि अब दिवाली के बाद आपसे बातचीत होगी तो हम आपका इंट्रोडक्शन ऐसे ही देंगे कि हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब ये मामला और टल गया है, कब तक? नहीं, मेरे हनुमान जी, मेरे बजरंगबली जब चाहेंगे तब मैं मंत्री बनूंगा जी। 10 इलेक्शन लगातार जीता हूँ जिंदगी में, हनुमान जी ने कभी हराया नहीं है जी। और इस बार तो उत्तराखंड राज्य का रिकॉर्ड टॉप हाईएस्ट स्कोरर हूँ, पार्टी की कसौटी भी हमेशा खड़ा उतरा हूँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगाया वहां लगा हूँ, और फिर भी मैं मंत्री नहीं बनूंगा तो मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, मोदी की सेना का सिपाही हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी बात। कब तक उम्मीद करें कि आप मंत्री बन जाएंगे? अब देखिए पार्टी का ये निर्णय है, जो भी होगा मैं इसको आत्मसात करूंगा। वैसे कब तक विस्तार की उम्मीद करें? दिवाली तो गुजर गई, अब अगली डेट क्या हम उम्मीद करें? भाई मुझे तो लगता है कि 18 के प्रथम उसमें हो जाएगा, प्रारंभिक अवस्था में 2018 तो मतलब 2017 जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सुना ही जाएगा। क्या पता 2017 में 31 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान के निर्देश पर सारे विधायकों को तोहफा। तो ये अच्छा, ये नया आपने तो ये अच्छा, एक चीज मुझे बताइए सर राजकुमार जी, क्या क्राइटेरिया क्या होगा आप लोगों के यहाँ, क्योंकि बड़े आप जैसे क्राइटेरिया, सबसे बड़ा क्राइटेरिया कि उसके पास ज्ञान कितना है, दूसरा वो पार्टी के प्रति कितना समर्पित है, वो भारतीय जनता पार्टी के दामन पर कहीं धब्बा लगाने वाला विधायक तो नहीं है, वो व्यक्ति ज्ञान का भंडार उसके पास है अथवा नहीं है, और वो सदन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, सदन में मर्यादा को रखता है, पार्टी जनों का मान सम्मान करता है, और उसके अलावा आम जनमानस में कितना लोकप्रिय है, जनता के कितने काम करता है जी। एक चीज मुझे बताइए कि ये आप लोग तमाम बातें आप कह रहे हैं, सवाल जो है एक वहीं का वहीं अटका हुआ है कि आखिर में चेहरे चुनने के लिए क्या वरिष्ठ लोगों पे नजर होगी, या जिस तरीके से पार्टी के अंदर युवाओं को लेकर के बातचीत हो रही है, 2022 को लेकर के बात हो रही है, उस पर फोकस होगा, अनुभव मैटर करेगा या ऊर्जा मैटर करेगी, क्या क्या क्राइटेरिया क्या? अनुभव भी होना चाहिए, ऊर्जा भी होनी चाहिए, और ये हमारी जो उम्र है इसमें प्रकांड, हमारे पास अनुभव भी है और इस समय जबरदस्त ऊर्जा भी है, पार्टी के लिए कहीं भी मर मिट सकते हैं, पार्टी के लिए कहीं भी, पार्टी को बढ़ाने के लिए कहीं भी किसी भी मोर्चे पर हम लोग डट सकते हैं जी। आपके अंदर को देखा जाएगा, वरीयता को भी देखा जाएगा, ऊर्जा को भी देखा जाएगा। आपके अंदर ऊर्जा भी है, आपके अंदर अनुभव भी है, आप विधायक लंबे समय से रहे हैं, क्यों नहीं अब तक जो है आपका नंबर आया? दूसरा मेरा एक महत्वपूर्ण छोटा सवाल है, क्या जब ये परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के ऐसे रिपोर्ट कार्ड होंगे जो क्राइटेरिया बना होगा उस पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ लोगों को रेस्ट दिया जाना चाहिए ताकि उससे कॉम्पिटिशन बढ़े, कि नहीं अगर आप इस लेवल पे काम नहीं करेंगे तो आप ड्रॉप भी किए जा सकते हैं, उससे मैसेज अच्छा जाएगा और बाकी लोग जो है वो अच्छा काम करेंगे? उदाहरण के तौर पर एक ही बात कहूंगा जी, पूरे विश्व पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की छवि उभरी है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना बीजेपी भारत के लिए समर्पण नहीं दिखाया जितना मोदी जी ने दिखाया, मोदी जी की सेना में जितने भी मंत्री हैं उन पर कोई दाग नहीं है, क्यों? उस पर निगाह रखने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे ही त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार है, 9 हमारे सम्मानित मंत्री हैं, एक एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड देखा जा रहा है, एक एक मंत्री का परीक्षण किया जा रहा है, हमारे पर भी बहुत सारी आंखें हैं जो हमारे कामों का मूल्यांकन करती है, और मूल्यांकन के बाद उसमें जिसको मार्क्स मिलते हैं जो अनुभवी होता है आगे बढ़ने की, जिसके अंदर प्रेरणा संगठन, तो आपको लगता कोई भी ड्रॉप करने लायक नहीं है? कोई भी ड्रॉप करने लायक नहीं आप कह रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, ड्रॉप करने लायक जो है वो ऊपर का रिकॉर्ड कार्ड, रिपोर्ट कार्ड तो मेरे पास नहीं है, मेरे से बहुत बड़े बड़े हमारे नेता हैं,
कार्यकर्ता है वो देख रहे हैं चीज को। चले, जो आपका अनुभव है, जो ऊर्जा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी पदोन्नति हो और जो है आप मंत्री बने और जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अब बीजेपी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं दायित्व के इंतजार को लेकर के, वो जरा सुनते हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बीजेपी के बयानों के साथ। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जैन टीवी के साथ। नमस्कार। बांटने का प्रश्न है तो उसके दो पहलू हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसका क्रमिक विकास हो, कुछ 70 विधायक बन सकते हैं, कुछ उनमें विधायक चुने जाते हैं, फिर वो सरकार में जाते हैं, तो एक नई जिम्मेदारी के साथ वो काम करते हैं प्रति एक। दूसरा, जो चुनाव नहीं लड़ते हैं बाकी चुनाव लड़ाते हैं और कार्यकर्ता, उनका भी क्रमिक विकास होना चाहिए। सरकार आने के बाद जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, उनको एक ट्रेनिंग देने का ये माध्यम है। दूसरा, सरकार को भी सहायता मिलती है क्योंकि मंत्री विधायक उनका अपना अलग काम होता है, औपचारिक रूप से वो सरकार से जुड़े होते हैं, कुछ कार्यकर्ता अनौपचारिक रूप से भी सरकार से जुड़े और जनता के सुख दुख की बात वहां तक करें, तो यानी सरकार के आंख और कान नाक बढ़ाने का ही काम हमारा करता है। अब इस पर निर्णय तो पार्टी को लेना है और सरकार को लेना है, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं, सही समय पर निर्णय ले लिया जाएगा। रहती है कि अब ये प्रयोजन आया इसमें घोषणा हो जाएगी, अभी 3 महीने पूरे हुए तो घोषणा हो जाएगी, अब 6 महीने पूरे हुए तो घोषणा हो जाएगी, अब जो है दिवाली आ गई, नवरात्रे आ गए, इसमें घोषणा हो जाएगी। परंतु समय आने पर, उचित समय आने पर उचित लोगों को जिनका जैसा हस्तक्षेप है कार्य क्षेत्र कार्य स्थिति में, उस तरह के दायित्व उनको दिए जाएंगे।